वाराणसी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बनारस के विधायक और मेयर से बैठक के बाद तैयार किया प्लान। सड़कों को चौड़ा करने, सीवर व्यवस्था दुरुस्त करने के अलावा स्ट्रीट लाइट और साफ सफाई के भी इंतजामों को दुरुस्त करने की योजना तैयार। जो पैसा बनारस शहर में आए वो पारदर्शी खर्चा और जनउपयोगी बने, इसी संदर्भ में ही प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसी विजन के साथ हम सबको बुलाया है। बुनकरों को सरकारी मदद देने, शहर में उद्योग पार्क बनाने और पर्यटकों को शहर से जोड़ने पर भी हुई चर्चा। लगातार वह इन विषयों पर काम कर रहे हैं। हम लोग तो बुलाए गए हैं, चल रहे हैं, अगर हम लोगों से पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि जितना हम बताएंगे उससे ज्यादा उनके विजन में है। दिल्ली में विवादित पोस्टर मामले में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे को 14 दिन की जेल, 2 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में। दिलीप पांडे के साथ आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को भी जेल, जावेद अहमद और राम कुमार झा भी गए जेल। पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने खुद को बताया निर्दोष, कहा मेरे खिलाफ साजिश। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में किया दावा, दिलीप पांडे को मामले की थी पूरी जानकारी। दिल्ली पुलिस के वकील का बयान, जावेद और राम झा के भड़काऊ पोस्टर की दिलीप पांडे ने दी थी रजामंदी। दिल्ली पुलिस का दावा, दोपहर 1 बजे तैयार हुआ पैम्फलेट का ड्राफ्ट, 2:45 पर फाइनल प्रिंट के लिए राम झा और जावेद को ईमेल भेजा गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिलीप पांडे आरोपियों के साथ लगातार ईमेल से संपर्क में था। दिल्ली पुलिस का दावा, आरोपियों ने लोगों को भड़काने के लिए लगाए पोस्टर। दिल्ली में कांग्रेस ने अपने विधायकों की कराई परेड, केजरीवाल पर घटिया राजनीति करने का लगाया आरोप। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने कहा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो किया वो निंदनीय। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल और उनके दल के लोग कर रहे थे वो निश्चित रूप से निंदनीय है। कांग्रेस ने अपने सभी 8 विधायकों को पेश किया, कहा आपने हमारे विधायकों को बदनाम करने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल एक घटिया राजनीति पे उतर गए हैं। पहले उन्होंने यह आरोप लगाने की कोशिश करी हमारे एमएलए के ऊपर और मुझे ये नहीं आज तक समझ में आया कि इनको तो चंद दिन ही हुए पॉलिटिक्स में आए हुए और हम सब लोगों को वर्षों से हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, कोई भी पैसे की बात होती है। आम आदमी पार्टी के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज, जाप पर झूठ और फरेब की राजनीति करने का आरोप। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की मांग, आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। सतीश उपाध्याय ने कहा नफरत फैलाने वाले पोस्टर चिपकाने पर दिलीप पांडे की हुई गिरफ्तारी, पुलिस अपना काम कर रही है। अपने नेता के बचाव में उतरी आम आदमी पार्टी, दिलीप पांडे की गिरफ्तारी को बताया साजिश। आम आदमी पार्टी का आरोप, दिलीप पांडे को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कल आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के सचिव दिलीप पांडे जी को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया 2 कार्यकर्ताओं के साथ और रात को उनको गिरफ्तार कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा अपने नेता की गिरफ्तारी का सड़क पर उतरकर जताएंगे विरोध। मैं आप लोगों के माध्यम से बीजेपी को आगाह करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के साथियों के खिलाफ अगर बदले की भावना से आप कार्रवाई करोगे तो सड़क पर उतरकर पार्टी इसका जमकर विरोध करेगी। तकनीकी खामियों से जूझने लगी दिल्ली और कटरा के बीच चलाई गई श्री शक्ति एक्सप्रेस, रेलवे ने लगाया अतिरिक्त इंजन। जम्मू और कटरा के बीच के ट्रैक पर पड़ने वाली चढ़ाई के दौरान ट्रेन में आ रही थी दिक्कत, तय वक्त से घंटों देरी से पहुंच रही थी ट्रेन। बारिश के दौरान टनल नंबर 27 में ट्रेन के फंसने के बाद रेलवे ने लिया फैसला, अब 2 इंजन की ताकत से दौड़ेगी श्री शक्ति एक्सप्रेस। वेद प्रताप वैदिक की
हाफिज से मुलाकात को बाबा रामदेव ने बताया निजी, लेकिन हाफिज सईद को बताया मानवता का हत्यारा, कहा ड्रोन से हमला कर मार देना चाहिए। बाबा रामदेव ने कश्मीर को बताया भारत माता का माथा, कहा देश का अभिन्न अंग है कश्मीर, कश्मीर पर टिप्पणी माफी के काबिल नहीं। हाफिज सईद के मुद्दे पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान, सईद के खिलाफ ठोस सबूत दे भारत तभी होगी कार्रवाई। ये हुकूमत पाकिस्तान ने तो पहले भी उनको डिटेन किया था, उन पर मुकदमा भी चला, लेकिन अदालत ने उनको बरी कर दिया। तो हम तो दुनिया से कहते हैं कि हमें अगर कोई ऐसा एविडेंस है जो कि अनडिनाइबल है और जो लॉ की स्क्रूटनी को स्टैंड कर सकता है, तो हमें दीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने भारत पाक रिश्तों के बेहतर होने की जगाई उम्मीद, कहा भारत सरकार की पहल काबिले तारीफ। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दी इफ्तार पार्टी, हुर्रियत समेत जम्मू कश्मीर के कई दलों के नेताओं ने की शिरकत। पुंछ में सेना ने की इफ्तार पार्टी, स्थानीय नेताओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी की शिरकत। दिल्ली के महावीर अस्पताल में नवजात बच्चा बदले जाने की शिकायत, लड़का होने के कुछ देर बाद परिवार को बताया गया बच्चा मृत और सौंप दिया गया लड़की का शव। परिवार ने शव दिए जाने के बाद किया हंगामा, परिवार का आरोप बदला गया बच्चा, परिवार का आरोप दिया गया शव नवजात का नहीं बल्कि 3-4 दिन के बच्चे का। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज, जांच जारी, अस्पताल ने परिवार के आरोपी को बताया गलत। भारी दिल्ली के नरेला में झाड़ियों के पास मिला युवती का शव, युवती से रेप के बाद हत्या की आशंका। 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, महिला की अब तक नहीं हुई शिनाख्त। यूपी के कानपुर में भी हुई लखनऊ जैसी हैवानियत, 20 सड़क फेंका गया महिला का शव, महिला से गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका। पूरी तरह नग्न अवस्था में था महिला का शव, महिला का कंधा और चेहरा कुचला हुआ, अब तक नहीं हुई महिला की शिनाख्त। पुलिस का दावा घटनास्थल से सटे तमाम सीसीटीवी कैमरों की होगी जांच, जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, चलती गाड़ी में लगी आग, झुलसने से ड्राइवर की मौत। वैगनार कार में लगी थी सीएनजी किट, गैस लीक होने के बाद अचानक लगी आग। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया पुलिस चौकी पर हमला, जमकर की तोड़फोड़। बाइक रैली लेकर पहुंचे थे करीब 300 कार्यकर्ता लोकपुर पुलिस चौकी में, पुलिस की गाड़ियों में की तोड़फोड़, विरोध करने वाले पुलिस वालों से पिटाई का आरोप। टीएमसी नेता दीपक सियाल की अगुवाई में आए थे हमलावर टीएमसी कार्यकर्ता, वीरभूम पुलिस कर रही है मामले की जांच। बंगाल में नकली नोटों के साथ 3 युवक गिरफ्तार, 14 लाख रुपए के नकली नोट हुए बरामद। 1,500 के नकली नोट में थे 14 लाख रुपए, कुछ बेहर स्टेशन के पास से हुई तीनों युवकों की गिरफ्तारी। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर बरसाई लाठियां, पुलिसिया फायरिंग में 2 ग्रामीणों की मौत। नक्सली होने के आरोप में 2 ग्रामीणों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे ग्रामीण, ब्लॉक ऑफिस के सामने कर रहे थे प्रदर्शन। उत्साह गांव वालों ने पुलिस वालों पर किया पथराव, पुलिस की जीप में लगाई आग, ब्लॉक ऑफिस के भी तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग के बीच गांव वालों की ओर से भी किए गए बम धमाके, घटना में नक्सलियों के भी शामिल होने का शक। पुलिस की गोली से मरे ग्रामीणों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, घटना के बाद इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल की तैनाती। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह के गढ़ मैनपुरी में फर्जीवाड़ा, घूस देकर बनाए जा रहे आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। तहसीलदार के ऑनलाइन हस्ताक्षर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हो रहा है बेजा इस्तेमाल,
पैसे लेकर जारी हो रहे हैं कम आय और एससी जाति के प्रमाण पत्र। रिश्वत के सहारे बिना लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट के ही बन रहे हैं प्रमाण पत्र, एसडीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। यूपी के शामली में कुश्ती के दौरान हुआ हादसा, खेल के दौरान हुई 16 साल के खिलाड़ी सुकराती की मौत। साथ ही खिलाड़ी के गर्दन पर हमले के बाद गर्दन टूटने से हुई मौत, हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल। दिल्ली के आश्रम चौक पर दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कंटेनर ने 3 गाड़ियों को और एक बाइक को मारी टक्कर। रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों को अचानक फरीदाबाद की तरफ से आ रहे कंटेनर ने बेकाबू होकर मारी टक्कर, 2 लोग हुए घायल। रेवात के कैंप में दिन दहाड़े फायरिंग, बीच सड़क, दर्जन भर बदमाशों ने एक शख्स पर बरसाई गोलियां। घटना की जांच में जुटी पुलिस, गोली लगने से घायल शख्स की हालत नाजुक। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्टोन क्रैशर पर एसआईटी टीम ने मारा छापा, 4 क्रैशर के सीज। उत्तराखंड में भारी बरसात के बाद शारदा नदी में आया तूफान, बैराज से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी। यूपी का रुख करने वाला बैराज से छोड़ा गया पानी, 2 दिन से पहाड़ों और तराई में हो रही है लगातार बारिश से आई आफत। शारदा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते पीलीभीत के 12 गांव आए बाढ़ की चपेट में, गांव में हाहाकार के हालात। प्रशासन ने और भी कई गांवों को किया अलर्ट जारी, राहत शिविर भी लगाए गए लेकिन कई लोग अभी भी फंसे हैं बाढ़ के बीच। गुजरात के छोटा उदयपुर में आई भारी बारिश के बाद अचानक बड़ा ओरसंग नदी का जलस्तर, बीच नदी में फंसे 3 युवक। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए घंटों हुई मशक्कत, 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के गढ़वाल के पास कुमायूं में भी दिखने लगा बारिश का कहर, पहाड़ों से होकर पानी शहरों में हुआ दाखिल। उधम सिंह नगर के बाजपुर में रिहायशी इलाके ने ली नदी की शक्ल। हिमाचल में भी बारिश का कहर, शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर में करीब 33 सड़कें लैंडस्लाइड के बाद की गई बंद, सड़कों पर जहां तहां फंसे हैं लोग। भारी बारिश के चलते दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में नदी पर बने पुल भी टूटे। वलसाड़ जिले में नदी में आए उफान के बाद पुल पर फंसा ट्रक, लहरों से घबराए ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। कैनरा बैंक ने आज देश में 108 नई शाखाओं का किया शुभारंभ, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में किया उद्घाटन। कैनरा बैंक की अब देश में 5111 ब्रांच, आज से 108 नए एटीएम सेंटर का भी शुभारंभ। दिल्ली में उद्घाटन समारोह पर पहुंचे वित्त मंत्री जेटली ने कहा, अभी 58% आबादी के पास ही बैंक खाते। वित्त मंत्री ने कहा, बाकी बचे 42% आबादी को भी बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में लाने की कोशिश होगी। With all our efforts, banking today covers about 58% of our population. So you still have a large 42% which is outside the stream of banking. लॉर्ड्स में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए 4 विकेट पर 169 रन, 145 रनों की हुई बढ़त। मुरली विजय की शानदार फॉर्म बरकरार, 59 रन बनाकर नाबाद हैं विजय। शिखर धवन एक बार फिर नहीं खेल पाए बड़ी पारी, 30 रन बनाकर हुए आउट, पुजारा ने बनाए 43 रन। विराट कोहली की नाकामी का सिलसिला जारी, पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए कोहली। इंग्लैंड दौरे पर बुरी तरह फ्लॉप रहे कोहली, अब तक खेली गई 4 पारियों में बनाए हैं केवल 34 रन। पहली पारी में प्लैंकेट की अर्धशतकीय पारी की बदौलत इंग्लैंड ने मार पार किए 300 का आंकड़ा, 55 रन बनाकर नाबाद रहे प्लैंकेट। भुवनेश्वर कुमार रहे सबसे सफल गेंदबाज,
पहली पारी में 82 रन देकर 6 खिलाड़ियों को किया आउट। रविंद्र जडेजा को मिले 2 विकेट, मुरली विजय और शमी ने एक खिलाड़ी को भेजा पवेलियन। लंच के दौरान ग्राउंडमैन पर पिच पर पैर घसीटने को लेकर शुरू हुआ विवाद, गेंद के टप्पा खाने वाली जगह पर दाया पांव घसीटता दिखा ग्राउंडमैन। कई पूर्व खिलाड़ियों ने उठाए घटना पर सवाल, ट्वीट कर एमसीसी ने दी सफाई, ये पिच को खराब करने की कोशिश नहीं। ब्रिटेन के प्रिंस जॉर्ज के पहले जन्मदिन से पहले उनकी तस्वीरें दुनिया के सामने आईं। प्रिंस विलियम और केट के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं प्रिंस जॉर्ज। केंसिंगटन पैलेस ने शनिवार को जारी की तस्वीरें, तितलियों की प्रदर्शनी के दौरान लंदन के ऐतिहासिक म्यूजियम की है तस्वीर। मिसाइल हमले का शिकार हुई फ्लाइट में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मलेशिया में सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर निकाला कैंडल मार्च। पूर्वी जर्मनी में 2 बसें और 1 मिनीवैन आपस में टकराने से हुआ बड़ा हादसा, 9 लोगों की मौत, 43 लोग घायल। गाजा में हो रहे इजरायली हमलों के खिलाफ हजारों छात्रों ने फिलिस्तीन में इजरायली दूतावास के सामने किया प्रदर्शन।